तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए मैं जीके के 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है, सही आप लोग कर पाए। चलिए देखते हैं आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। चलो, वाइट कलर ऑफ द इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज, जो झंडा होता है ना हमारा इंडियन फ्लैग, उसमें जो वाइट कलर का होता है ना बीच वाला, वो क्या सिग्निफाई करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे सी हो गया, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस, ये तो पता होगा आप सभी को। चलो थोड़ा सा समय ले लो, सोच लो। ओके, मैं बता देता हूँ आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, श्री हरिकोटा से ही लॉन्च हुआ था ये चंद्रयान 3 भी। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो कौन सा कंट्री ब्रिक्स के मेंबर नहीं है? ठीक है, नॉट बोला है ना, तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? जर्मनी ना, जर्मनी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। चलो चेक करो अपना अपना आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, राजा सी राजा गोपालचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, विच आर्टिकल वॉज इम्पोज इन मणिपुर रिसेंटली, रिसेंटली मतलब जब बहुत वायलेंस क्रिएट हो गया ना, तो उस समय में कौन सा आर्टिकल इम्पोज हुआ था? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट। नेक्स्ट, द हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया का क्या है? परमवीर चक्र। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धामबुक इन अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, धामबुक इन अरुणाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, ये होगा क्या होगा इसका सोच लो, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट, नामाटी बैटल फील्ड इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑन वे टू किबी टू फ्रॉम तेजू, ये तेजू के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ एटमोसफियर, तो एटमोसफियर के लेयर कौन कौन सा होता है वो जानने से हो गया, आप लोग इसको देख लो एक बार, ये पिक्चर को भी देख लो और इससे समझ लो। ठीक है, ये एटमोसफियर का लेवल जो होता है ना, जो सरफेस लेवल से आपका 10 किलोमीटर तक का हो गया ट्रोपोस्फियर, फिर इसके बाद 30 किलोमीटर इट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक लेवल होता है इसका, आपको ये देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है, राइट, तो इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च ऑन, महात्मा गांधी कौन सी ईयर में ये स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, तो गोबर गैस का चीफ कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन सी, मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ए फॉर्म ऑफ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, राइट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोग थोड़ा, ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड होता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रॉसमोसकोस इज द स्पेस एजेंसी नेम ऑफ विच कंट्री, रॉसमोसकोस कौन से कंट्री का स्पेस एजेंसी का नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, रशिया, ये रशिया का स्पेस एजेंसी, जैसे USA का नासा है, इंडिया का इसरो है ना, तो वैसे ही रॉसमोसकोस है रशिया का,
स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर्स कहाँ में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया? तो इंडिया का पहला ओडीआई कैप्टन कौन था, सोच लो थोड़ा, टेक योर टाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अजीत वडेकर। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्राइब रिसाइडिंग इन मेघालय इज? मेघालय पे कौन से ट्राइब रिसाइड करते हैं? ऑप्शन ए, गारोस। ठीक है, गारोस एंड खासिस होता है, मगर ऑप्शन में अगर दोनों में से एक मिलेगा तो दोनों में किसी को भी कर दो। ठीक है, खासी या तो गारो। नेक्स्ट, द टर्म ग्राउंड स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? ये तो हम लोग ने किया है पहले शायद, फिर भी अटेम्प्ट करो, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, टेनिस का ही है। नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स इज ए? वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, डिवाइडेड ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का जो टैक्स भरता है ना, रिसेलर लोग या होल सेलर लोग, वो सब है। ठीक है, वैट, और जो है हम लोग जो खरीदते हैं कुछ कंज्यूमर्स लोग, वहाँ पे भी वैट लगता है, राइट? तो लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को हम लोग पे करता है। तो बोट ए एंड बी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय? पॉइजनस सब्सटेंस क्या से प्रोड्यूस होता है टॉक्सिन? ऑप्शन सी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को का कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? ऑप्शन बी, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, ऑफ द फॉलोइंग फूड विच वन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये चारों में से? ऑप्शन बी, राइट, फिश, फिश में बहुत प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड एट इंटरवल्स ऑफ? तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होता है कितना इंटरवल के बाद होता है, कितने कितने साल में होता है ये? आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, राइट, 4 ईयर्स इज द इंटरवल। नेक्स्ट, मीना इज़ ट्राइब ऑफ? मीना कौन से स्टेट का ट्राइब है? ये ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे सी हो गया, ऑप्शन सी, राजस्थान, राजस्थान में ये पाए जाते हैं, ये मीना ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट इज? तो मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट क्या है? ऑप्शन सी, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को ही हम लोग ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री इज ऑल्सो नॉन एज? क्या होगा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, आंसर बताओ। लाल बहादुर शास्त्री इज नॉन एज मैन ऑफ पीस। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोगों के लिए ही तैयार किया है ये। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक चीज़ अनाउंस करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किया है, 750 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिस इसको पीडीएफ बाय करना है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में मुझे। ठीक है, ओनली इसका प्राइस रखा है 199 रुपीज़। ठीक है, 199, जिसको चाहिए अभी फटाफट से बोलो, मैं सेंड कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, वहाँ पे मैथ्स इंग्लिश जीके तीनों का 250 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला सेक्शन रहेगा जीके का 250 क्वेश्चन है, फिर मैथ्स का 250 और इंग्लिश का 250। ठीक है, ऐसे करके 750 क्वेश्चन सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ठीक है, जिस जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर में कमेंट सेक्शन में दे के रख दूँगा, या तो यहाँ भी दे दूँगा, कोई बात नहीं है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना। तो जिस जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसको ले सकता है और अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा सभी लोग। तो एग्ज़ाम अभी बहुत सामने है, लेजी नहीं होना है, बस और थोड़ा दिन मेहनत कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।